वो ऐसा टाइम था जब ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड लव मैरिज ये तो मामला ये ना थे, माँ बाप रिश्ते कराया करते और अच्छी भली शादी हो जाया करती, इक्का दुक्का कदे कदे कोई सुनन न मिला करता, छोरा छोरी साथ घूमन का बात करने का फोन का तो सवाल नहीं था। नए नए नौकरी लागे थे, मारी साथ आन के एक ने और ज्वाइन किया और कहने लगे यार ट्रेनिंग पे गया था और उड़े एक घनी सुथरी छोरी थी, हमारी दोस्ती होगी और हम तो भाई लव मैरिज करांगे। और भाइयों की जात भी नारी नारी, दूसरे प्रदेश की छोरी, तीसरे में जाके ट्रेनिंग लेने गए थे, उड़े चोंच बिड़ा ली, हमने बड़ा स्वाद आया करता वो बात बताया करता, मेरी गर्लफ्रेंड न्यू बोली, मेरी गर्लफ्रेंड न्यू बोली, हमने तो उससे में स्वाद आ जाया करता, शिफ्टा में जॉब होया करती उसकी। एक दिन कहने लगे यार मेरा तो मिलन न जी करे, मैं मिलन चला जाऊं, ये 200 किलोमीटर दूर का सफर। उसने जान की प्लान बना ली और कहता है मेरी गर्लफ्रेंड की ड्यूटी ना 9 बजे उसकी शिफ्ट खत्म होगी, रात के 9 बजे की करना चाहिए। मैंने उस टाइम आइडिया दिया कि तू उसने बता मत, सरप्राइज दे जाके, कितना मजा आएगा, बहुत खुश हो जाएगी तेने देख के। बीरा ने उसके केस मजमाई, उसने मेरी सलाह मान ली। 4 बजे इसी बस में बैठा था, 9:45 उड़े जहां पहुंचा, दफ्तर में जाके उसने पता लगा कि वह तो अपनी सहेलियां के साथ 9 से 12 की पिक्चर देखन 8 बजे जा ली। ले भाई न्यू सुनती है सारी खंड का पानी हो गया, के करे पहाड़ी क्षेत्र जाड्या का टेम और 12 के 9 बजे थे, और फिर उस शहर में 3 सिनेमा घर कौन से में जा रही है न्यू भी नहीं पता लग गया, पूछ भी नहीं सकता उड़े गणा, सरसरा सा पता लग गया कि फिल्म देखने जा रही है। बैठ के मैं दुर्भावना मेरे प्रति भी गाड़ गड़ोच ने भीतर भीतर करी, पर करके सके था करते करते, और उसने एक सिनेमा घर सेलेक्ट किया, हो ना हो इसमें मूवी देखने आ रही है। बैठ गया बेचारा, इब कौन से दरवाजे में से निकलेगी, टिकट बालकोनी की ले रही है कि नीचे की ले रही है, और तेने मिलेगी कि ना मिलेगी, सहेलियों को साथ होने के बाद तेरे ते बात करेगी कि ना करेगी, भूखा उम्र है पर लग रहा बाट देखकर। 9 से 12 का शो छूटा और जितना उसमें दिमाग था उसने सारा लगा के एक ऐसी जगह सेलेक्ट करी जहां से उसने हर सिनेमा घर से निकलने वाला दिखाई देगा, और जैसे ही उसकी गर्लफ्रेंड निकली ना, बस मरो और करो का सवाल था, तुरंत जाके हाय हेलो करी और उसकी आंख फटी की फटी रह गई। फैसला होया कि तेने बहुत बड़ी गलती करी, बता नहीं सके था, और उसने कोई जवाब नहीं, 10-20 मिनट बातचीत करी और रात ने जाके वो होटल में सो गया और वो अपने घर चली गई। अगले दिन सुबह मुलाकात हुई और जब उल्टा आया ना मारे दौरे, उसने आके मेरी के दुर्गति करी कि तेरे सरप्राइज ने मेरी ऐसी तैसी करा दी। आज भी जब भाभी जी के साथ भाई साहब होते हैं और मैं जाता हूँ तो कहते हैं आगे मेरे सरप्राइज वाले दोस्त। प्रेम और प्यार एक ऐसी चीज होती है, उसमें की गई छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी घटनाएं भी जिंदगी भर याद रहती हैं।